हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस उन्नति कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भाग दो विविध, और इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं वो सभी चीज़ें आप सामने देख रहे हैं। पहले हम पॉइंट कवर करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ, फिर हम बात करेंगे मानचित्र की रेखाएँ कौन कौन सी हैं, उनको क्या कहते हैं, प्रमुख देशों की समाचार एजेंसी, राजनीतिक दल, विमान सेवाएं, गुप्तचर संस्थाएं, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे विश्व के कुछ अन्य प्रमुख संगठन। तो प्यारे बच्चों, आप एक काम करना कि इस वीडियो को देखने से पहले आप अपने पास में इस बुक को अपने पास में रखिए, ठीक है, और साथ में अंडरलाइन करने के लिए कोई पेन साथ में रखें, या फिर कोई अगर आपके पास में हाइलाइटर्स हो तो उसको हाइलाइट करना। आज केवल इस वीडियो में आप वो फैक्ट देखेंगे जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ए टू जेड आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, ग्रेड डी की तैयारी कर रहे हो, ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हो, ग्रेड सी की तैयारी कर रहे हो, ये सभी फैक्ट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और इतने फैक्ट आपको पता होने चाहिए एग्जाम में जाने से पहले। जब आप इतने फैक्ट पढ़ लेंगे जिस टाइम पे ये बुक आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी इस वीडियो के माध्यम से, तो उसके बाद जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस होगा, कॉन्फिडेंस वो भी जेन्युइन कॉन्फिडेंस, राइट। तो ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के अपने इस वीडियो में। पहले हम कवर करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में कुछ स्किप करने लायक नहीं था, तो मैंने इसलिए कुछ इसमें खास स्किप नहीं करा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत और चीन के मध्य जो सीमा रेखा होती है उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं मैक मोहन रेखा। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत और पाकिस्तान, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भारत और पाकिस्तान के मध्य लगने वाली सीमा रेखा को बोलते हैं रेड क्लिक रेखा। और उसके बाद हम बात करेंगे आपसे जर्मन और पोलैंड, ये बहुत कम पूछा जाता है, चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। उत्तर कोरिया, ये भी काफ़ी कम पूछा जाता है, आप इसको भी स्किप कर सकते हैं, इसको आप हाईलाइट मत करना, लेकिन आप मैगिनॉट रेखा को याद करेंगे और साथ में आप हाईलाइट करेंगे 49वीं समानांतर रेखा को, जो किसके मध्य है, ये आपकी यूएसए और कनाडा के बीच में। मेन रहीम रेखा तो ये है आपके रूस और फिनलैंड के बीच में। और उसके बाद हम बात करते हैं आपसे ड्यूरंड रेखा, ड्यूरंड रेखा भी बोलते हैं इसको, कभी कभी वो यू ये वाला जो है ये नहीं लगा के देगा आपको, डायरेक्ट बोलेगा ड्यूरंड रेखा किस किस के मध्य स्थित है, तो ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य खींची गई सीमा रेखा को किस नाम से पुकारा जाता है, क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है ड्यूरंड रेखा। तो आपको इसमें से इन आठ में से आपको ये फाइव याद रखनी है। उसके बाद में देखिए मानचित्र की रेखाएं जो होती है, मानचित्र में कुछ रेखाएं खींची जाती हैं, इसको बोलते हैं काल्पनिक रेखा, ठीक है। लेकिन काल्पनिक रेखा का अपना खुद का एक अर्थ होता है, जैसे हम बात करते हैं समलवण रेखा, मतलब समान लवण वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं समलवण रेखा। देखिए एग्जाम में आपको इस तरह से वो नहीं देखा, देखिए समलवण मतलब सम का मतलब समान, लवण का मतलब लवण, तो इतना इजी टर्म आपको वो यूज नहीं करेगा, आपको ऑप्शंस में देगा, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या फिर इंग्लिश मीडियम के, वहां पर आपको देगा आइसोहेलाइन, ठीक है, तो ये देगा आपको वहां पर। तो इसका अर्थ क्या होता है थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए मानचित्र पर खींची गई वह काल्पनिक रेखा जो महासागर के उन स्थानों को मिलाती है जहां पर क्या होता है समान लवणता पाई जाती है, राइट। अब देखिए सम दाब, सम का मतलब समान, दाब का मतलब समान दाब, समान दाब वाली स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं के बोलते क्या है, ये बोलते हैं समदाब रेखा। तो वहां पे आपको ये समदाब रेखा नहीं देगा ऑप्शंस में, क्या देगा इंग्लिश में आइसोबार, तो आइसोबार का मतलब क्या होता है समदाब रेखाएं। फिर हम बोलते हैं सम गहरी रेखाएं, तो समान गहराई के समुद्र स्थलों को जोड़ने वाली रेखा को बोलते हैं सम गहराई रेखा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको होगा आइसोबात। समोच्च रेखा ये कई बार पूछा जाता है, देखिए एग्जाम में जितने में मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट है आपका फोर, समोच्च रेखा मतलब समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं कहलाती हैं समोच्च, उच्च का उच्चारण आ रहा है इसमें, तो उच्च का मतलब क्या होता है ऊंचाई, समोच्च उच्च, उच्च मतलब ऊंचाई। अगला जो पॉइंट है वो है कि समवर्षा, समान वर्षा वाले स्थान को बोलते हैं समवर्षा। फिर आपका सममान, तो सममान मतलब वह रेखा जो मानचित्र की उन रेखाओं को मिलाती है जहां किसी निश्चित तत्व का मान बराबर होता है।
फिर हम बात करते हैं आपसे समताप रेखा, समानताप वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, समताप रेखा है। तो यहाँ पे आपको देगा आइसोथर्म, थर्म से थर्मामीटर, थर्मामीटर क्या करता है टेम्परेचर बॉडी का नापता है। तो यहाँ पे आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। समाचार एजेंसी, कौन से देश के समाचार एजेंसी का नाम क्या है वो नाम हमको देखने हैं। देखिए 22 में से हम केवल याद करेंगे 1, 2 एंड 3, मतलब पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 15, पॉइंट नंबर 8, तो हम यही याद करेंगे। यहाँ पर भारत की समाचार एजेंसी का नाम बताइए क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे ये बनेगा। वहाँ पे चार आपको ऑप्शन देगा अलग अलग देशों के, एक देगा भारत का, तो ये आपका समाचार भारतीय। और भारत का एक और है समाचार एजेंसी, इसका नाम है पीटीआई, पीटीआई मतलब प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अब हमसे पूछता है उसके बाद में फिलिस्तीन के बारे में कि फिलिस्तीन की समाचार एजेंसी का नाम बताइए क्या है, तो ये है आपकी वाफा, याद रखिएगा क्या है ये वाफा। तो बस आपको इतना देखना है। उसके बाद में मैं आपसे बात करता हूँ प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज कौन से होते हैं। तो सरकारी दस्तावेज मतलब ग्रीन बुक, ग्रीन बुक कौन से देश से संबंधित है, या फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि ग्रीन बुक जो सरकारी दस्तावेज है कौन से देश से संबंध रखता है, ठीक है। तो ये है इटली और ईरान की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन, ठीक है। इटली और ईरान के सरकारी दस्तावेज को क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं ग्रीन बुक। और येलो बुक, येलो बुक होता है फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन, बस, ठीक है। आपको ग्रीन याद रखना है और येलो याद रखना है, बाकी आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। अगर नॉलेज के लिए आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना काफ़ी अच्छा लगता है, कोई एग्जाम आपका मोटो नहीं है क्रैक करना, समय है तो आप हर पॉइंट को पढ़ सकते हैं, आपके लिए हर चीज़ इम्पोर्टेंट है फिर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं राजनीतिक दल। तो यहाँ पर राजनीतिक दल जो होता है, ऑस्ट्रेलिया का राजनीतिक दल कौन कौन सा है, ये है आपका लिबरल पार्टी, लेबर पार्टी। तो लिबरल पार्टी या फिर लेबर पार्टी दोनों में से किस देश का राजनीतिक दल है, क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछता है आपसे। तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया का। उसके बाद हम बात करते हैं भारत के बारे में, देख लेते हैं, मैंने हाईलाइट नहीं करा क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। तो भारत का जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी है और भारतीय जनता पार्टी भी है, बीजेपी अभी क्या चल रही है बीजेपी, तो कांग्रेस सोनिया गांधी राहुल गांधी ये सब क्या कांग्रेस के है ना, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना। पाकिस्तान का इम्पोर्टेंट है, देखिए पाकिस्तान का पूछ लेता है कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, देखिए ये तो आपसे बहुत ही रेयर पूछता है क्योंकि देखिए पाकिस्तान इसमें आ गया तो आपको ऑटोमेटिक याद आएगा कि हाँ पाकिस्तान की पक्का ये एक राजनीतिक दल होगा। लेकिन मुस्लिम लीग कभी अगर यूज़ करता है ना तो वहाँ पे कभी कभी बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो ये वैसे पाकिस्तान का ही है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि चिन्ह और प्रतीक, कलम जो होती है, कलम का जो अर्थ होता है वास्तव में ये किसका प्रतीक होता है, तो ये होता है संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक माना जाता है कलम को। रेड क्रॉस, रेड जो होता है अगर उसको क्रॉस कर दिया जाए तो ये क्या होगा, ये होगा डॉक्टर का सिंबल होता है, ठीक है। रेड क्रॉस क्या होता है, डॉक्टर का सिंबल होता है। और ग्रीन जो क्रॉस होता है, एक्चुअली ग्रीन क्रॉस भी होता है, ये होता है जो फार्मेसिस्ट वगैरह होते हैं ना, मेडिकल स्टोर वाले, ठीक है, जो फार्मेसिस्ट का जो कोर्स करते हैं तो वो अपनी गाड़ी के पीछे लगाते हैं, रेड क्रॉस नहीं लगाते, वो लगाते हैं ग्रीन क्रॉस, मतलब प्लस का साइन होगा वो होगा लेकिन ग्रीन कलर में। प्लस का साइन जो रेड में होता है वो क्या होता है, वो होता है डॉक्टरी सहायता, मतलब ये क्लिनिक है हॉस्पिटल में रेड क्रॉस का इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं उल्टा झंडा, अगर झंडे को उल्टा कर दिया जाता है तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है संकट का प्रतीक, उस देश में क्या आ चुका है, संकट आ चुका है। झुका झंडा, हल्का सा आधा झुका हुआ झंडा जो होता है इसका मतलब होता है शोक का प्रतीक, जब किसी महान हस्ती किसी देश में हत्या हो जाती है तो उस टाइम पे क्या होता है, पूरा एक शोक होता है पूरे देश के अंदर, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, झंडा को हल्का सा नीचा कर देते हैं। तो चक्र का मतलब क्या होता है, चक्र का मतलब पहिया होता है, पहिया क्या क्या करता है, पहिया हमको अपनी मंजिल तक क्या करता है, प्रगति करता है, ठीक है। चक्र का मतलब प्रगति, जब पहिया घूमेगा हम क्या करेंगे, अपने अपनी मंजिल की ओर, अपना जो हमारा जो मोटो है, जो हमारा एम है, वहां पे हम क्या कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं। अगर चक्र घूमना बंद कर देगा तो क्या होगा, हम लोग स्टेबल हो जाएंगे, प्रगति हम नहीं कर पाएंगे। तो चक्र का मतलब क्या होता है, प्रगति का प्रतीक। फिर हम बात करते हैं ऑलिव की शाखा, ऑलिव की जो शाखा है ये है शांति का प्रतीक, बस। उसके बाद में इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, विमान सेवाएं कुछ खास नहीं है। देखिए विश्व के प्रमुख समाचार पत्र और प्रकाशन स्थल, मतलब कौन सा समाचार पत्र कहाँ पे प्रिंट होता है, तो डेली मिरर जो है इसका प्रकाशन स्थल कहाँ पर है, ये है लंदन में। और गार्डियन, गार्डियन का जो प्रकाशन स्थल है वो है लंदन में। डेली मेल, डेली मेल काफी इम्पोर्टेंट, देखिए डेली मिरर, डेली मेल दोनों ही कहाँ पे हैं, लंदन में। और गार्डियन कहाँ पर है, ये भी है लंदन में, तो आप याद रखिएगा काफी इम्पोर्टेंट। फिर डॉन, देखिए डॉन भी आप याद कर लीजिए, डॉन भी काफी इम्पोर्टेंट है, ये है आपका कहाँ पर, कराची पे, कहाँ पर, कराची।
उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, और उसके देखिए राष्ट्रीय पशु के बारे में, देखिए ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है उसका नाम बताइए। आपको चार ऑप्शन देगा, कंगारू, आइबिस, कीवी या बाघ, तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय पशु है वो है कंगारू, और न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय पशु है वो है कीवी। ठीक है, क्या है? कीवी। फिर हम बात करते हैं विभिन्न देशों की संसद के नाम। ब्रिटेन, ब्रिटेन की संसद का नाम क्या है? पार्लियामेंट। हमको लगता है वैसे वास्तव में भारत की संसद का नाम शायद पार्लियामेंट होगा, लेकिन भारत की संसद का नाम एक्चुअली संसद है, लेकिन ब्रिटेन की संसद का नाम क्या है? पार्लियामेंट। ऑस्ट्रेलिया की संसद को किस नाम से पुकारा जाता है, जाना जाता है? तो ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया दोनों का नाम क्या है? पार्लियामेंट। और नेपाल, नेपाल की जो संसद का नाम है वो है राष्ट्रीय पंचायत। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एसएससी एस्पिरेंट, एसएससी एस्पिरेंट जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप वहाँ पे आप ये चीज़ याद रखिएगा, आपको ये भी याद रखनी है ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया, और आपको ये भी याद रखना है नेपाल, नेपाल की संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। अब उसके बाद में हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया था। तो ये जो नाम दिया है, ये नाम किसने दिया है? ये थे वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति, इनका नाम क्या है? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने इसका संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम रखा। और उसके बाद में इसकी स्थापना कब हुई थी, केवल आपको याद रखनी है इसकी स्थापना कब हुई थी। स्थापना हुई थी इसकी 24 अक्टूबर 1945 में, और संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या थी जब स्थापना हुई थी उस टाइम पे कितने देश थे इसके? थे 51। ये यूपी प्रीलिम्स एग्जाम जीएस पेपर वन में, एमपी पीएससी प्रीलिम्स एग्जाम पेपर वन में ये संख्या पूछ लेता है, तो आप याद रखिएगा 51। अब हम बात करते हैं इसकी भाषा, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा क्या है। ये है अंग्रेजी और फ्रेंच। वहाँ पे आपको अंग्रेजी देगा ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में देगा अंग्रेजी और फ्रेंच, तो हमको लगेगा कि अंग्रेजी होगी पक्का, लेकिन नहीं, यहाँ पर फ्रेंच भी है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग कौन कौन से हैं? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, और उसके बाद में आप ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। और इसमें कितने होते हैं? सुरक्षा परिषद के बारे में बात करते हैं। सुरक्षा परिषद एक्चुअली होती क्या है? ये संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक अंग है। ठीक है, सुरक्षा परिषद क्या है देखिए, फर्स्ट ये सेकंड नंबर देखिए, ये किसका अंग है सुरक्षा परिषद? ये है संयुक्त राष्ट्र संघ का। अब सुरक्षा परिषद जो डिपार्टमेंट है इसमें क्या होता है? इसमें 5 सदस्य क्या होते हैं? स्थायी होते हैं, और 10 क्या होते हैं? 10 होते हैं अस्थायी। तो स्थायी सदस्यों की संख्या क्या क्या है? तो ये है 5, और कौन कौन से देश स्थायी सदस्यों में काउंट होते हैं? ये है आपका अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। याद रहेगा क्या क्या? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। इस बात को 2-3 बार दोहराइए अपने मन के अंदर, आपको ऑटोमेटिक ये चीज़ याद हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं सोवियत संघ ने वीटो का उपयोग सबसे अधिक बार करा है। देखिए वीटो का प्रयोग इन सभी देशों में, जो 5 जो स्थायी देश हैं इनमें से कोई सभी देश वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है। तो सबसे अधिक बार वीटो पावर किसने इस्तेमाल करा? तो वो है आपका क्या? वो है आपका सोवियत संघ। सोवियत संघ मतलब रूस। ठीक है, याद रहेगा आपको रूस। रूस ने मैक्सिमम वीटो पावर का यूज करा है। अब देखिए आर्थिक और सामाजिक बिंदु में इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष का होता है। ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक भाग है। उसके बाद हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का एक्चुअली हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये है आपका हेग, नीदरलैंड में। स्थापना कब हुई थी? 3 अप्रैल 1946 को। क्या था? 3 अप्रैल 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। उसके बाद हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र विशिष्ट अभिकरण एवं अन्य संगठन कौन कौन से हैं, कहाँ पे इनका मुख्यालय है, इनकी भूमिका क्या है, कब इनकी स्थापना हुई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO। तो इसकी जो स्थापना वर्ष है वो है 1919 में। मुख्यालय है इसका जेनेवा। जेनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। तो इसका एक्चुअली भूमिका क्या होती है? इसकी भूमिका होती है श्रमिकों की स्थिति में सुधार एवं उनके जीवन स्तर को ऊंचा करना, मतलब उनको उन्नत करना, ये इसका मेन एम है। फिर हम बात करते हैं IMF, इंटरनेशनल मुद्रा कोष, ठीक है, मॉनेटरी फंड भी बोलते हैं इसको। तो ये है आपका 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी में है, और वाशिंगटन डीसी कहाँ पड़ता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इसका एक्चुअली उद्देश्य क्या है? ये है सदस्य देशों को विदेशी विनिमय में सुविधा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, उनका भुगतान करना, व्यापार को प्रोत्साहन देना, ये सब इसका कार्य है। फिर हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1945 में। वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है।
और उत्पादन एवं विकास परियोजनाओं या परियोजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी के विनिमय को प्रोत्साहन ये देता है। WTO विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और इसका उद्देश्य है बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के लिए संस्थागत तथा कानूनी आधार उपलब्ध कराना। याद रहेगा आपको, बिल्कुल रहेगा, लेकिन स्थापना वर्ष आप पक्का याद करना, ठीक है। इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दोनों ही चीजें आपको याद रखनी है। एम चाहे आपको एक बार ना पता हो, आप पढ़ लोगे ना एक बार तो आपको आइडिया मिल जाएगा। आपको इसका एम तो खैर नहीं पूछता है, इसका उद्देश्य क्या ये नहीं पूछेगा WTO का, इन सब का केवल पूछेगा स्थापना वर्ष और हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आप हेडक्वार्टर को अंडरलाइन करना, उसको याद करना, उसके बाद में साथ साथ इसका एक वर्ष की कब इसकी स्थापना हुई थी वो आपको याद रखना है, ठीक है। WTO के सदस्यों की संख्या कितनी है, 159 है। 2 मार्च 2013 तक का ये रिकॉर्ड है, ये फ्लक्चुएट होती रहती है, मेंबर कुछ जुड़ते हैं, कभी कभी कुछ मेंबर उस लिस्ट में से हट जाते हैं, तो ये डाटा एक्चुअली फ्लक्चुएट होगा, ये चेंज होगा, ये स्टेबल नहीं है। तो आप करंट डाटा क्या है, करंट अफेयर्स में आप कभी भी कोई भी एग्जाम देते हैं तो आप उसके हिसाब से पढ़ के जाना, ठीक है। अब देखिए यूरोपीय संघ के बारे में बात करते हैं, यूरोपीय संघ मतलब EU, यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपीय संघ 28 सदस्य देश हैं। 1 जुलाई 2013 को क्रोएशिया शामिल हुआ था, ठीक है। इसमें कौन सा देश लास्ट शामिल हुआ था, तो ये हुआ था क्रोएशिया। फिर हम बात करते हैं नाफ्टा। नाफ्टा की फुल फॉर्म आपको पता रखनी है, ध्यान रखना, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नाफ्टा की फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है, पूर्ण रूप क्या है इसका, क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है, तो आप याद रखिएगा नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और फिर हम बात करते हैं नाटो के बारे में। नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में। फुल फॉर्म इसका द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की फुल फॉर्म ये है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में। तो आपको एग्जाम में कभी कभी ब्रुसेल्स नहीं देगा, आपको देगा बेल्जियम, तो आपको बेल्जियम भी याद रखना है, ब्रुसेल्स भी याद करना है। तो यहाँ पे किसका हेडक्वार्टर है, यहाँ पे हेडक्वार्टर है आपका नाटो का। स्थापना कभी थी, 1949 में। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक स्थापना हुई थी 1966 में और हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, इसका हेडक्वार्टर है मनीला में। आसियान जो है, आसियान की फुल फॉर्म आप याद करिएगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो ये है आसियान की फुल फॉर्म, इसको एशियन बोलते हैं, इसको आसियान बोलते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं, लेकिन इसकी फुल फॉर्म आपको याद करनी है। और इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 10 है, ये याद रखना आप। उसके बाद हम बात करते हैं सार्क के बारे में। सार्क के फुल फॉर्म पक्का और पक्का याद करनी है आपको, ठीक है, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये है इसका पूरा फुल फॉर्म। हेडक्वार्टर काठमांडू, ठीक है। स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1985 में, कब हुई थी 1985 में। फिर हम बात करते हैं G8 में 8 देश शामिल है और 8 देश कौन कौन से शामिल है वो हमको पता करना है। पहला है आपका कैनेडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली और फ्रांस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 देश कौन कौन से हैं। तो ये कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेता है कि कौन सा देश G8 में शामिल नहीं है, ग्रुप 8 में कौन सा देश शामिल नहीं है। आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे भारत नहीं है, तो वहाँ पे आपको 3 देशों का नाम देगा, फोर्थ ऑप्शन देगा आपको भारत या फिर पाकिस्तान, तो उसमें से आपको और छांटना होता है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी इस टाइप के सीजीएल रीजनिंग में पूछा गया है, लेकिन रीजनिंग से हटके क्वेश्चंस है, कभी कभी रीजनिंग में भी क्वेश्चंस ही डाला गया है, और फिर जीके का अगर क्वेश्चंस बनता है तो वहाँ पे ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, इसलिए इसको हाईलाइट करके आपके सामने मैंने रखा है, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी बातें सब क्लियर हो रही होंगी आराम से। ज़्यादा जल्दी स्पीड इसलिए पकड़नी पड़ रही है कि बुक जल्द से जल्द कवर करनी है, अगर मैं धीरे धीरे बहुत ही स्लो बोलूँगा आपके सामने तो शायद आप लोगों को नींद ना आ जाए। और फिर हम बात करते हैं रेड क्रॉस के बारे में। रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी 1863 में, मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और प्रतिवर्ष जो होता है विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 8 मई को। संस्थापक कौन थे इसके, संस्थापक थे इसका ड्यूरेंट, याद रखना कौन थे, ड्यूरेंट। अब हम बात करते हैं नाम, गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो इसकी स्थापना या फिर पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, इसका शिखर सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में, कब हुआ था 1961 में। सचिवालय कहाँ पर है, सचिवालय है इसका नेपाल काठमांडू में। फिर हम बात करते हैं CIS के बारे में। देखिए CIS मतलब स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल, स्थापना हुई थी 1991 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है बेलारूस में, ठीक है। तो बच्चों बस आज के इस वीडियो में केवल इतना ही,
और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने ये बुक परचेज नहीं करी है तो प्लीज़ इसको मार्केट से जाके परचेज कर लो। अगर मार्केट बहुत दूर है तो आप इसको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दूंगा, वहाँ से भी आप बुक को परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, और अगर आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं वीडियो के तो हो सकता है कि आपने बेल आइकन पर क्लिक ना करा हो, तो आप सब्सक्राइब के साथ में उसके बगल में आपको दिखाई देगा बेल आइकन, और उस बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और जाइए अभी तुरंत इस चैनल की प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आप देखिए कि इस वीडियो, इस बुक के जितने भी वीडियो हैं उन सबको आप ध्यान से देखिए, बुक को उठा लीजिए, अंडरलाइन करिए और टाइम दीजिए, समय समय पर उसका रिवीजन करिए, तो आप देखना आपका जो 36 का आंकड़ा है इस जीके के साथ में वो कम हो जाएगा। इसी के साथ लेता हूं आपसे अलविदा और मिलता हूं जल्द एक नए वीडियो के साथ में। और अगर आप हमारे चैनल को कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहें तो पेटीएम के माध्यम से आप हमारे चैनल को कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, पेटीएम नंबर आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। For more information, check descriptions. Bye bye, take care and all the best.